सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली ने आज सफीदो विधानसभा में जनसंपर्क अभियान किया, जहां उन्हें भरपूर संख्या में जनता का जन समर्थन मिल रहा है और दावा किया है कि भाजपा सभी 10 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करेगी। और वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बड़ोली ने कहा है कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में पूरे देश में भय वातावरण रहता था। कांग्रेस के कार्यकाल में जब भी अलग अलग धार्मिक समुदाय के त्योहार आते थे तभी दंगे होते थे। उस वक्त कांग्रेस दंगों होने का हाथ आतंकवादियों का बताते थे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के लोग ही दंगे करवाते थे। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि 2014 के बाद जब भाजपा सत्ता में आई तो उसके बाद बम ब्लास्ट, दंगे, फसाद सब कैसे रुक गए। वहीं देश के प्रधानमंत्री सबके सम्मान की चिंता करते हैं। गरीब का दर्द कैसा होता है, क्योंकि उन्होंने गरीबी में जन्म लिया है। गरीबी जैसे जन्म लेके जिनकी माताजी दूसरे घरों में बर्तन मांजने का काम करती, जिन्होंने मोदी जी ने खुद चाय की दुकान चलाई, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री चाय की दुकान से काम करते करते आज देश के प्रधानमंत्री बने और इतने विचार के साथ जुड़े हैं, इस प्रकार के संगठन के साथ जुड़े हैं कि उनको पता है कि इस देश से भय, भूख और भ्रष्टाचार जो गरीब को सताता है और भय का वातावरण पूरे, आप सबने देखा जब कांग्रेस का 10 साल का शासन था पूरे देश में भय का वातावरण रहता था। जब भी कोई तीज त्योहार आता था देश में दंगे होते थे। मुसलमानों का त्योहार आए तो दंगे, हिंदुओं का त्योहार आए तो दंगे, ईसाइयों का त्योहार आए तो दंगे, सिखों का त्योहार आए तो दंगे। ये कांग्रेस की देन थी और कांग्रेस एक बयान देती थी कि ये दंगे फसाद जो हुए इसमें आतंकवादियों का हाथ है। वो आतंकवादियों का हाथ नहीं था, वो कांग्रेस का ही हाथ था। उसमें कांग्रेस खुद करवाती थी। आप सबने देखा 2014 के बाद वो दंगा करने वाले कहां चले गए। 2014 के बाद क्यों नहीं बम ब्लास्ट होते, क्यों नहीं दंगे होते, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, सबका सम्मान करने का काम। और जो ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।